सो हे गाइस वेलकम टू द वीडियो। आज का हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती 2022 बैच के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर यहां पर जो है नोटिफिकेशन आ चुके हैं। कैसे इसके अंदर आवेदन करना, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट रहने वाले, ये सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए। चलिए वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कैसे इसको आवेदन करना है, कब से लास्ट डेट है, कब तक यहाँ पर जो है आवेदन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए। सो गाइस, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑफिशियली। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो लोग इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये नोटिफिकेशन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इसके अंदर क्या डिटेल्स आई है नोटिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पोस्ट नेम के बारे में। ये पोस्ट जो होने वाली है इसके अंदर 2500 वैकेंसी इसके अंदर यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2500 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बात करते हैं इसके अंदर और भी डिटेल्स के बारे में मिलेगा। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम के बारे में, तो इंडियन एयरफोर्स होने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट्स की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2500 पदों के लिए। वर्क की बात करें यहाँ पर नॉन टेक्निकल जॉब होने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत के अंदर आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी। टोटल पोस्ट 2500 है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2500 पदों के लिए जो वो इसके अंदर नोटिफिकेशन आई हुई है, इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करना है और सारा डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन के हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन मोड के बारे में, तो आपको जो है वो आवेदन ऑनलाइन ही करना है। एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो मात्र जो आपको 90 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग ओबीसी से हो या फिर जनरल से हो, इसके लिए जो है वो आप लोग को 90 रुपये आपको जो है पे करना पड़ेगा। वही रिजर्व कैटेगरी जो एसटीएससी से, उनके लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं रखी गई है। जो लोग 90 रुपये जो वो फी पेमेंट यहाँ पर रखी गई है, आप इसके थ्रू कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारा कुछ जो है फी पेमेंट मोड रखी गई है। इसके अंदर यहाँ पर एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो आपका होना चाहिए वो मिनिमम एज लिमिट आपका 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। अगर आप 17 से 25 के बीच बिलोंग्स कर रहे हो या फिर इस डेट से हो या फिर इस एज से हो, तो यहाँ पर आवेदन कर लेना आराम से। अगर आप यहाँ पर 25 से एवव हो चुके तो यहाँ पर आपको देखना कि एज रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं। आप नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर रीड कर सकते हो एज रिलैक्सेशन को लेकर। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपका ओनली फॉर जो होना चाहिए वो 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि आप जो है वो 10th प्लस 2 पास हो किसी भी स्ट्रीम के साथ। जी हाँ दोस्तों, एनी स्ट्रीम, अगर आप यहाँ पर आर्ट्स हो, साइंस हो, बायो से, कॉमर्स हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 12वीं पास तो होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, लेकिन आपका जो ऑल ओवर मार्क्स होना चाहिए वो 45% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि पूरे सारे जो मिला के 12वीं के अंदर आपको 45 मार्क्स अगर है, 45% है पूरे ऑल ओवर मिला के, तो यहाँ पर आवेदन कर लेना। इसके अंदर और भी डिटेल्स है यहाँ पर देख लेना। बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले यहाँ पर आपको जो यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के अंदर आपको जो वो 10th पास सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा। अगर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट अटैच करना चाहते हैं तो बिल्कुल अटैच कर सकते हो। एनसीसी के ग्रुप ए बी सी किसी भी सर्टिफिकेट आपको अटैच कर सकते हो। यही बात करते हैं अगर आपका कोई फादर है, यानी कि कुछ आपका जो है रिलेशन के अंदर भाई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो आप जो है इनके अंदर आपको जो छूट मिलेगा रिलेशन सर्टिफिकेट के अंदर, अगर आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करते हो तो। और भी बहुत सारे यहाँ पर फिजिकल जो है फिटनेस टेस्ट जो है वो आपको मैंडेटरी है, इसके अंदर आपको देना ही पड़ेगा। इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर रीड कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंड है, यानी कि आप जो मेडिकल स्टैंड दीजिएगा आपसे यहाँ पर क्या क्या उसे आपको जो यहाँ पर मेडिकल स्टैंड में आपसे मेजरमेंट किया जाएगा। सबसे पहले हाइट, वेट, ये सारा कुछ मेजरमेंट होगा। मिनिमम चेस्ट आपका एक्सपेंड होना चाहिए। कॉर्नर्स यानी कि सर्जरी, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो बाहरी ना तो अंदर ही। अगर अंदर ही सर्जरी है तो यहाँ पर दिखना भी नहीं चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ आपका जो है सारा नॉर्मल होना चाहिए। दांत जो है यानी कि टीथ आपका नॉर्मल होना चाहिए। वहीं बात करते हैं सुनने की क्षमता, ये भी नॉर्मल होना चाहिए। देखने की क्षमता चूंकि यहाँ पर बहुत अच्छी होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। तो अप्लाई कैसे इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया। कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुकी है 20 मई 2022 से, यानी कि अगर आप यहाँ पर जो है 20 मई से आवेदन करते हो तो आपका आराम से आवेदन हो जाएगा। अगर वहीं लास्ट में करते हो, अगर लास्ट डेट की हम बात करें 30 मई 2022 से, तो लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो चुका है, और अगर आपका नहीं हुआ तो जल्दी से अप्लाई कर ले। दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी आप लोग नीचे छोड़ सकते हैं हमारे। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।